Hey loves, welcome to my channel, Mr. Sizam by Purba. कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब बहुत अच्छे हो guys. आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या चल रही है. सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और इंस्टा में भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल. सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो. वी हैव सेवन ऑफ कप्स. We have the Fool. We have Ten of Cups. We have Five of Swords. Okay. Bottom of the deck से we have the Temperance card. ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को बता रहा है, ठीक है. टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी से यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही सेटल डाउन करना चाह रहे हो. आप दोनों ही चाह रहे हो कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग जो भी इश्यूज हैं, उसे आप दोनों रिजॉल्व कर लो एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों सेटल हो जाओ और साथ रहो, ठीक है. तो आप दोनों की इच्छा कहीं ना कहीं दिख रही है एनर्जेटिकल लेवल में कि आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को माफ़ करना चाह रहे हो, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हो एंड एक दूसरे के साथ कंटिन्यू रखना चाह रहे हो रिलेशनशिप को स्मूदर वे में, ठीक है. ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है करंट की. अब आते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में पूरा पूरी, तो देख लेते हैं. सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन ना बहुत लंबे टाइम तक कन्फ्यूज्ड रहे हैं अपने लाइफ के चॉइसेस को लेकर, ठीक है. अब तक वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा श्योर क्लियर नहीं थे अपने लाइफ के सिचुएशंस को लेकर एंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे कि उन्हें क्या चूज़ करनी है, उन्हें किस तरफ जाना है, चाहे करियर बोलो, लव बोलो. बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना उस चीज़ से तंग आ चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है. उनको चॉइसेस बनानी होंगी एंड उस चॉइसेस पे अटल रहना पड़ेगा. वो बस रिलाई नहीं कर सकते हैं कि समय के साथ देखा जाएगा, वो डेस्टिनी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ पे वो इंटरेस्टेड है, तो उस चीज़ को उन्हें चूज़ करना है एंड उसको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. सो आपके पर्सन आप कंसिडर करना चाहते हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं लाइफ में न्यू बिगनिंग, एक फ्लो. और उन्हें समझ आ चुका है कि जब तक वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, तब तक उनकी ज़िंदगी फ्लो में नहीं चल सकती, तब तक वो लाइफ में हैप्पी नहीं रह सकते हैं, ठीक है. एंड अब उनको चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ एंड मूवमेंट. तो उसके लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब चाह रहे हैं कि वो आपको चूज़ करें और हर एक दिन चूज़ करें, ठीक है. यानी कि आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ ही चीज़ों को फिक्स कर लें और आपके साथ ही खुशियों के साथ एडवेंचर करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए लाइफ को कंटिन्यू करें, ठीक है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अब लाइफ को एकदम साफ सुथरा रखना है, ना माइंड गेम्स खुद खेलने हैं, ना किसी के माइंड गेम का शिकार होना है, ठीक है, ना अनक्लियर रहना है, ना अपने ईगो में रहना है, ठीक है. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ठीक है, जिसको जिसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, उस पर हम वर्क करेंगे एंड अपने लाइफ को एकदम जो मैस है, जो मैस एग्जिस्ट कर रहा है इस रिश्ते में, उसे हटाएंगे और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. ये चीज़ आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही है. सो आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो अब सुधर जाए, वो आपको कमिटमेंट दे एंड आपके साथ सीरियस होके ही जो भी सॉल्व करनी है वो आपके साथ ही फिक्स करें और आपके साथ ही हैप्पीनेस के साथ, प्यार के साथ आराम से लाइफ को कंटिन्यू करें, जहाँ पे पीस इनके लाइफ में बना रहे, कोई टेंशन ना हो, अप्स एंड डाउन्स ना हो एंड बैक एंड फोर्थ एनर्जी ना रहे रिश्ते में, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी पूरी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. तो सीरियस मोड ऑन हो चुका है आपके पर्सन का. तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. वी हैव इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू. तो देखिए इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके टॉक्सिक ट्रेट्स तो हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सामने वालों को ही हार्म नहीं कर रहा बल्कि उनको खुद को भी हार्म कर रहा है, क्योंकि वो लाइफ में अनस्टेबल फील करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई भी सिक्योर्ड चीज़ नहीं है,
ठीक है, और लव लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं। तो आप कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में सिक्योरिटी चाहते हैं आपके पर्सन, एंड आपको आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नो, अब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड फिक्स करेंगे जो इश्यूज़ होंगे उसे फिक्स करेंगे। ठीक है, किसी के ऊपर दोष चढ़ाने से अच्छा है कि हम चीज़ों को म्यूचुअल वे में ठीक कर लें। देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो येस, डेफिनेटली आप इमोशंस को, अच्छाई को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने अंदर की, एंड बहुत सारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग भी अब आगे आने वाले वक्त पे आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, जिसके बारे में वो आपके साथ बात करेंगे, ठीक है, इन द कमिंग टाइम। इन कुछ घंटों के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आई लव यू अनकंडीशनली, उन्हें अब समझ आ चुका है कि प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होते हैं, एंड अगर वो आपको दिल से प्यार करेंगे ना तो उनको हर एक चीज़ नसीब हो जाएगी, तो उनको दिमाग लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। तो उनको वो चीज़ समझ आ रही है कि प्यार करने से प्यार मिलता है, हम किसी से बस प्यार लेते रहें और उम्मीद करते रहें कि वो सामने वाला हमारे लिए सेम रहे, कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्हें वही चीज़ फील हो रही है कि जितना हम देंगे यूनिवर्स में उतना रिटर्न आएगा, और जैसे हम चीज़ें देंगे वो भी रिटर्न आएगी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। तो अब अपने लाइफ को वो सुधारना चाहते हैं, अपने इमोशंस को सुधारना चाहते हैं, एंड अब यू नो एक डिवोटेड पर्सन, एक डेडिकेटेड इंसान बनना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ चीज़ों के बारे में हो सकते हैं उन्होंने आपसे कभी बात नहीं करी या झूठ बोली हो, तो उसके लिए भी पछतावा चल रहा है। बट अब वो कहीं ना कहीं रेडी दिख रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी हैं। उनके मन में ये भी चल रहा है कि वो सब ठीक कर भी लेंगे आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड से है वी विल बी टुगेदर अगेन। सो अगर अभी आप दोनों अलग हो गए हो तो ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान बहुत ही जल्द आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप दोनों की फिर से यूनियन हो जाएगी और फिर से आप दोनों एक हो जाओगे। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बहुत मच्योरिटी दिख रही है आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में। ठीक है, अपने लाइफ से मैस हटा रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें हटा रहे हैं। आप बहुत जल्दी देखोगे कि कोई अगर इनकी गलत बिहेवियर है या गलत लाइफस्टाइल रूटीन है या कोई एडिक्शन है उससे भी ये निकल जाएंगे। ठीक है, अपने आप को ये ट्रैक पे लाना चाहते हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ सही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने लाइफ को ट्रैक में लाएंगे एंड री इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने लाइफ को, री इवेलुएट कर रहे हैं अपने लाइफ को। एंड उनको समझ आ चुका है कि आप उनके ट्रू लवर हो और उन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करनी चाहिए, आपकी केयर करनी चाहिए, आपके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और जब वो आपके साथ अच्छे से रहने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको उनका फोकस हर एक चीज़ में बन जाएगा, उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप भी उन्हें सपोर्ट करोगे। तो ये चीज़ वो समझ रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर अब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। उन्होंने जो चीज़ें खुद बिगाड़ी है, खुद ही अब उन सारी चीज़ों को ठीक भी करना चाह रहे हैं। तो ये एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।